कहावत है कि इश्क और जंग में सब जायज है, पर युद्ध की ये तस्वीरें इस कहावत को झूठा साबित कर रही हैं। आशियाने खंडहर में बदल गए हैं। जहां तक जिधर तक नजर जाती है मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है। बमबारी और हमले के बाद की ये तस्वीरें लोगों का दर्द बयां कर रही हैं। जमीन पर पड़े बच्चों के खिलौने से हमले से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। इमारतों की ढेर से निकलती ये लाशें युद्ध का मंजर बता रही हैं। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि गाजा के शरणार्थी कैंप नुसरात की हैं। इसराइल पर आरोप है कि उसने सेंट्रल गाजा के शरणार्थी कैंप पर हमला किया है जिसमें 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इसराइल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसराइल ने गाजा पर यह हमला 23 दिसंबर की रात में किया। हमले का वीडियो देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल गाजा का नामोनिशान मिटाने में जुटा है। इसराइल गाजा के हर एक अड्डे पर निशाना बनाकर हमला कर रहा है। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल ने गाजा को दुनिया के मैप से हटाने की कसम खाई है। इसराइल गाजा के किसी एक जगह को निशाना नहीं बना रहा बल्कि वो चुन चुन कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने में जुटा हुआ है। इसराइल ने गाजा बॉर्डर पर मौजूद रफा कैंप पर भी 24 दिसंबर की रात 2 बजे के आसपास हमला किया जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। उत्तरी गाजा की बड़ी इमारतें हों या दक्षिणी गाजा के कैंप, इसराइल सबको मलबे में मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है। في حوالي الساعة 2 قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف منزل عمر أبو العوف فأثناء القصف يعني كل المنطقة سحبت على القصف فجينا نجري فشفنا الدمار اللي أنت شايفه يعني وهذا بيت دار عمي فكل هيتهم كان فيه ثلاث إصابات فقمنا بإنقاذهم وتم انتشال شهيدين इसराइल ने गाजा को पूरी तरह से घेर लिया है। वो दक्षिण से लेकर पश्चिम और मध्य गाजा में हमला कर रहा है। नुसरात रफा से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। गाजा की हालत अब बहुत नाजुक है। इसराइल अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेने में पीछे नहीं हटेगा और शायद यही कारण है कि वो आम लोग और सैनिक में फर्क नहीं कर पा रहा है। इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो जब तक हमास का नामोनिशान नहीं मिटा देता तब तक वो शांत नहीं बैठने वाला। طلعوني من تحت الانقاض وودونا ابو يوسف النجار قاموا باللازم لهناك الله يحميهم يا رب ودمار يعني الصغار صوتوا النفسية دمرت عند الاولاد اصابات مرميه في الشارع يعني طلعنا معايا انا طلع كمان 3 أطفال طلعوا معي غير في مره كمان تصابت। गाजा की हालत को देखते हुए मानवीय मदद के तहत वहां लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में अकाल का खतरा बढ़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो वहां लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा और इसका बच्चों पर असर सबसे ज्यादा होगा। 78 दिन से जारी जंग में गाजा ने अब तक अपने 20,000 से ज्यादा लोगों को खो दिया है और अभी भी वहां हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि गाजा में भारी मात्रा में हथियार हैं। दाराज तोफा में हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन के दौरान स्कूलों को स्कैन किया। इस दौरान हमास की नौसेना कमांडो इकाई से संबंधित रॉकेट, उपकरण और दूसरे हथियार पाए गए। इजरायली बलों ने जमीनी युद्ध के दौरान हमास के एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेटों सहित लगभग 30,000 विस्फोटक उपकरणों को भी नष्ट कर दिया है या उनको जब्त कर लिया है।
पर अब बड़ा सवाल है, आगे क्या? इसराइल हमलों से गाजा की दुर्दशा करने में जुटा है और ऐसे में हमास का समर्थन करने वाले लोगों में गुस्सा उबाल पर है। वो किसी भी हालत में नेतन्याहू को माफ नहीं करने की शपथ ले रहे हैं। पूरी दुनिया में इस युद्ध को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। लोगों में युद्ध को लेकर गुस्सा है। ये यमन है। यहाँ लोग हजारों की संख्या में इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अमेरिका के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। वहीं जकार्ता में भी लोगों ने अमेरिकी एम्बेसी के बाहर खड़े होकर जमकर नारेबाजी की और फिलिस्तीन का समर्थन किया। इनilah bentuk bahwa kita peduli terhadap warga kita di Palestina ya, karena isu ini adalah isu kemanusiaan ya. Jadi harusnya ini jadi isu global yang memang harus kita sama-sama peduli terhadap masalah ini. Dan sampai saat ini penjajahan fisik yang terjadi di seluruh dunia. इजराइल हमास युद्ध के दौरान पिछले 24 घंटे में मारे गए लोगों की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 200 के करीब है। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को फोन किया और हालातों के बारे में जानकारी ली है। गाजा में इजराइल का आक्रमण हाल के इतिहास में सबसे विनाशकारी सैन्य अभियानों में से एक रहा है, जिसने गाजा के 2.3 मिलियन लोगों में से लगभग 85% लोगों को बेघर होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों के सप्ताह एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा में आधे मिलियन से अधिक लोग यानी आबादी का 1/4 भूख से मर रहे हैं। हमास के करतूतों का नुकसान आम फिलिस्तीनी मौत और तबाही के तौर पर भुगत रहा है। इन हमास लड़ाकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 30,000 से 40,000 बताई जा रही है, लेकिन इनकी वजह से करीब 23 लाख की आबादी खून के आंसू रो रही है, जिनका कोई कसूर नहीं है। बच्चे महिलाओं की मौतों की खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन ना तो इसराइल हमला करने से रुक रहा है, ना सीज फायर के लिए तैयार है, ना ही हमास प्रतिकार से रुकने वाला है। इस बीच गाजा है जो जल रहा है, दिन, हफ्ते, महीने और अब तो साल बदलने जा रहा है।